शिवपुरी के 15 छात्र अपना हुनर खंडवा में दिखाएंगे। हम आपको बता दें, खंडवा में होने वाले अंडर 17 एमपी लीग में शिवपुरी के छात्रों को भी शामिल किया गया है। टीम के कोच ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुरी के 15 छात्र खंडवा में अपना हुनर दिखाएंगे। कोच द्वारा छात्रों को लगातार ट्रेनिंग दी गई है। शिवपुरी के खिलाड़ी ग्वालियर चंबल संभाग में हमेशा अव्वल रहे हैं। शिवपुरी की माटी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी दिए हैं। हमें हमेशा ही अपने खिलाड़ियों पर गर्व महसूस हुआ है और हमारे बच्चों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन कर हमें गौरवान्वित किया है। इसी उम्मीद के साथ इन 15 खिलाड़ियों को शिवपुरी के सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। अयान खान, क्या कुछ टीम का आपकी उद्देश्य है? हम कल जा रहे हैं नेशनल वो स्टेट खेलने एमपी लीग। और जी आपके जो सर हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, जो आपको मोटिवेट करते हैं? वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, उन्हीं के वजह से हम जो भी हैं। भैया आपका? मोहित कोडे नाम है मेरा। अच्छा, आपकी जो ये जूनियर जो टीम है फुटबॉल टीम है, कहाँ अभी खेलने जा रही है, शिवपुरी से कहाँ रवाना हो रही है? कल होगी अंडर 17 खंडवा के लिए एमपी लीग खेलने के लिए रवाना होगी कल सुबह 8 बजे। क्या क्या उद्देश्य है इस टीम को, क्या आगे क्या करना चाहती है? उधर लीग मैचेस हैं, 6-7 मैच हैं, लीग मैचेस खेल के अगर क्वालिफाई करते हैं तो सेमीफाइनल, उसके आगे और टूर्नामेंट है, अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो आगे सिलेक्शन होएंगे उसमें। भाई साहब, आप जूनियर फुटबॉल मैच के कोच हो, इनका क्या कुछ पूरा उद्देश्य और कहाँ खेलने जा रही है पूरी टीम? हमारी टीम एमपी लीग खेलने जा रही है अंडर 17 खंडवा जा रही है और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और ये इनकी टीम है कि इंडिया टीम इंडिया लेवल पर अपने प्रोफेशंस दें। क्या क्या इनको मोटिवेट किया गया जहाँ से, और क्या लगता है आपको कि ये जीत हासिल करके ही आएंगे? बिल्कुल, जीत हासिल करके आएंगे। हमारे कोच साहब मकसूद खान, घनश्याम भाई साहब वगैरह सर ने काफ़ी मेहनत की है बच्चों पर, और इनका खेल देख कर लग रहा है कि ये आगे बढ़ेंगे। आपको भी देखा जाता है, आप कई प्रकार के खेलों में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इस उद्देश्य में आपका क्या कहना है? बिल्कुल करना चाहिए साहब, कभी से जरूरत पड़ने वाला किसी बच्चे के पास कोई सामान नहीं है उसके लिए हम करते रहते हैं सब लोग ग्राउंड पर। आप जो मुस्कान सेख हैं उनको भी नेशनल खिलाया? बिल्कुल, मुस्कान सेख बेटा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था न्यूजीलैंड में जाके, और उनका बहुत अच्छा सम्मान किया गया था हमारे फुटबॉल टूर्नामेंट में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।